हेलो दोस्तों का स्वागत है गेमर बीसीएम के एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। इसमें हम ये बिग वाला गेम खेल रहे हैं जिसमें हमारे सामने एक बड़ा सा मॉर्टिस है, उसको हम हर जगह घास में ढूंढते हैं, वो हमें फाइनली मिल जाता है और ये मॉर्टिस हमें अभी तुरंत मार देगा दो ही फटकों में। जी हमने बोला था दो फटकों में मार देगा। तुम यहाँ पर गुस्से में वापस से निकल पड़ते उसको मारना है और फिर हमें सब वही अंजाम होने वाला है। पर हम इस गेम में कुछ खास करने वाले हैं नहीं, जैसे कि मैंने बोला फिर से दो शॉट की बात है। इस गेम में हम अंत में जाकर लू अनलॉक करने वाले हैं और उसका डेब्यू भी होगा हमारे अकाउंट के लिए। जी अब देख रहे हो मॉर्टिस भागे जा रहा है हमसे दूर, कि उसे बस और सिर्फ 1 मिनट 5 सेकंड सरवाइव करना है। तो हम यहाँ पर गुस्से में आते थे, उसने फिर से हमें दो फटके लगाकर मार डाला। देख सकते हो मॉर्टिस कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है इस वाले मोड में। हमारे सुपर का भी कोई खास असर हुआ नहीं, खास तो छोड़ो असर ही नहीं वैसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे दिया उसे। अब 30 सेकंड में उसको 40% मारना पॉसिबल है नहीं, तो इस गेम में तो हमारा लू खुलने से रहा। अगले गेम में हम जीतेंगे बिग गेम, उसके हमें 100 पॉइंट्स मिलेंगे और उससे हम जीत जाएंगे और हमें लू मिल जाएगा हमारे टीयर के चलते ब्रॉल पास में। यहाँ पर कुछ खास हुआ नहीं देख लीजिए। गेम खत्म, हम ये गेम हार गए, हमने गुस्सा भी जाहिर कर दिया अपना। कोई बात नहीं, हम ब्रॉलर चेंज करके नाम ही लेकर जाएंगे और गेम जीत कर रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर गोलेट है, सब जानते ही हो गोलेट का डैमेज कंसिस्टेंट है नहीं, वो कम डैमेज देता है, उसका सेम नंबर ऑफ डैमेज नहीं देता। मतलब कि अगर वो कंटिन्यू एक ही बंदे को दो शॉट मारे तो उसका डैमेज अलग अलग होगा, डैमेज का अमाउंट सेम नहीं होगा। अब देख रहे हमने पूरी तरीके से कंट्रोल बनाया हुआ है गेम पर। और इस नोटिफिकेशन को जाने दो, आते रहते आपके फ़ोन में आते होंगे तो मेरा भी इग्नोर कर दो। यहाँ पर कोलेट के दो फटकों के चलते हमारे नानी को वापस से रिस्पॉन होना पड़ गया। तो अब हम निकल पड़ेंगे हमारे सुपर के साथ कोलेट को मारने, और हमने मारा भी। अब देख रहे हम एक भी मैसी उसको 15% डैमेज देना है, जो कि हमारे सर जी काफ़ी अच्छे से हमारी मदद करेंगे करने में। बस ये कोलेट हमें मारेगा, हम रिस्पॉन होंगे, उतने में सर्ज और इस जेसी के डैमेज के चलते हम जीत गए ये गेम। बस आगे आगे देखते हो। जी हाँ, और कोलेट का फिनिशिंग रन अप। तो बस इसी के चलते हमारा 30th tier खुल गया। पर हम पहले खोलेंगे मेगा बॉक्स, थोड़ा सस्पेंस बनाए रखेंगे। और इसमें हमें 5 ही मिला तो कोई नया ब्रोलर तो आने से रहा। बस ये रहा हमारा लू। वूहू, चलो तब लू से भी हम एक गेम खेलेंगे और लू का होगा डेब्यू हमारे अकाउंट में। हाय हाय, चलो सोलो शोडाउन में डेब्यू करेंगे। हमें 10 में से 10 बंदे मिल चुके हैं और लू खुल गया। ऐसी खुशी में लाइक कर दो और शेयर कर दो। कमेंट के लिए हम एक और सीन बनाएंगे आगे। ये वाला 8-bit हमें बहुत परेशान कर रहा था, तो हमने उसे 3 snowball फटका कर भगा दिया। और हमने हमारे हिस्से के दोनों पावर के जैसे तैसे करके उठा लिया। आपको नया लू ब्रॉलर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से थर्ड पार्टी करके दोनों ब्रॉलर्स को मार डाला। और यहाँ पर अभी बड़ा सा बोट आकर हमें तंग करने वाला है, तो हम उसको फ्रीज करके भाग जाएंगे ताकि हम ज़्यादा परेशान ना कर सके, जिससे कि मैंने बोला था हम उसको फ्रीज कर देंगे।
और हम ये इजीली 2 पावर क्यूब उठा लेंगे। तो वापस से फ्रीज करके और दूर निकल गए। अभी एल प्राइमो हमें दिख गए, तो मैं इसको भी फ्रीज कर दिया था कि अभी ये बड़ा सा बॉडी एल प्राइमो के पीछे लग जाए। तो हमने उसे फ्रीज करने के लिए डाला, पर हमारा पोपट हो गया हवा पर। और हमने ये एम्स को मारते हुए देख लिया था, तो हमने उसको मारना शुरू कर दिया और हम ये गेम इजीली जीत गए। डेब्यू तो बहुत ही सही गया लू का हमारे लिए। देखते हैं लू के लिए कंसिस्टेंसी बरकरार रखना पॉसिबल है कि नहीं। चलिए एक और गेम शुरू करते हैं लू के साथ ही वापस। चलो लेट्स ब्रॉल। तो हम यहाँ पर आगे बढ़े, उतने में ही हमें ये डायरी मिल गया और हमने उसे फ्रीज करके यहाँ पर स्नो में फंसा कर उसे मार डाला फटाफट से। और इसके लिए कमेंट भी कर दो, जैसे कि मैंने बोला था हमें सीन बनाई देंगे कमेंट के लिए, तो यही था वो सीन। चलो कमेंट भी कर दो अच्छे बच्चों की तरह सब। अपन ने पीछे जाकर मारा था कि जो दो स्नोबॉल बचकर निकल जाए वो भी लग जाए नीचे वाले बॉक्स को। तो हमने यहाँ पर ठान ली कि नहीं भाई, अभी इस बुल को तो मारना ही है भले ही कुछ भी हो जाए। पूरी गेम कैंपिंग वगैरह कर लेंगे, पर इस बुल को तो मारना ही है। और आप तो जानती है भाई, हम जो बोलते हैं वो करके ही रहते हैं। हमने यहाँ पर उस बुल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे दिया, पर कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, इसलिए हमें थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता है। हमने इसे फ्रीज किया, रेंज से भागने की कोशिश की, पर वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मतलब भाई ये बड़ा हुआ बॉट भी हमारा फैन है, बकवास कर रहा हूँ। यहाँ पर इसको फ्रीज कर देते हैं ताकि ये बड़ा सा बॉट उसके पीछे लग जाए। बस अब चंद सेकंड में हम ये गेम जीतने ही वाले हैं। मैंने उसको पता पर थर्ड पार्टी कर दी बॉट और बुल के बीच में। बस ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लू का स्वागत है हमारे अकाउंट में। अगला वीडियो लेकर जल्दी हाजिर हो जाऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।